बुलेट ओके पहले तो काफी इंटरेस्टिंग वे में सब कुछ हैंडल कर रही है मेघना, क्या कहेंगी पहले? अब पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है, उसके बीच में भी जब मैंने देखा कि पापा ने फिर से ऐसी बात कर दी जिससे सबका दिल दुखे, तो कुछ तो तोड़ निकालना था उसका, तो किया तो है कुछ मेघना ने अभी इसके बाद नहीं आया, अभी सब कुछ सेटल ही हो गया है। पर ऐसा क्या किया जो यू नो सब कुछ ठीक हो गया है और सब लोग यू नो फिर से थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं? एक्चुअली किसी बात को लेके उन्होंने छोटे मामा को कुछ बोल दिया था, और उनको तो जैसे मौका ही चाहिए होता है कि जब बूंदी वालों का की बेइज्जती कर सके, तो आज भी एक मौका मिला था, वो मौका मैंने उनसे छीन लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल वो हो सकता है, कई सारी चीज़ें वैसे भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता था, गुस्सा रहता है किसी ना किसी बात से, कभी नैना पर गुस्सा है कि उसने सब कुछ सक्सेसफुली कर लिया, जितनी भी शर्तें रखी गई थी उसे कर ली, तो कहीं पे भी वो जीत का जो एहसास होता है वो तो हुआ नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन गुस्सा निकलता रहता है। ठीक है राइट, पर सावरी की क्लोजनेस का भी एक तोड़ निकाला है आई थिंक मेघना ने, वो क्या है बता? तोड़ तो नहीं निकाला है, कोशिश है कि वो करण के ज़्यादा नज़दीक ना जाए, जो वो जा रही है बार बार, तो मेघना को थोड़ी चिढ़ हो रही है उससे कि ये क्या कर रही है, क्यों बार बार करण और नैना के बीच दिखाई दे रही है मुझे वो, तो मैंने ऐसे तीली चिंगारी लगा दी, अब देखते हैं क्या होता है। पर कुणाल को भेज दिया है सावरी के पास, थोड़ा कुछ डर है? नहीं नहीं, बहुत भरोसा है मुझे, ऐसे थोड़ी भेज देते हैं, प्लस धमकी दी है प्यार भरी धमकी दी है, क्यूट सीन था ये वाला भी। सो हाँ, कहा है उसे कि कोशिश करो जरा दूर रखो इसे अपने भाई से, बस। ओके लास्टली और क्या कुछ देखने वाले हैं? बहुत सारी, अभी आप जो देख रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, और ये तो कुछ भी नहीं है, बस ऐसे शुरू ही हुआ है, बेबी स्टेप्स है, इसके बाद तो बड़े बड़े ट्विस्ट आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच।